चलिए इस वक्त रुक करते हैं कांग्रेस की तरफ से, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ज्योतिर्लिंग 160 करोड़ का पैकेज दिया, ये सरकार 5 साल चलती तो 50 साल भाजपा का नामो निशान नहीं रहता, कोई नाम लेने वाले नहीं। इसलिए साजिश करके शिवराज चौहान ने खुद कहा इंदौर में कि ये सरकार कांग्रेस की मैंने केंद्र के इशारे पे गिराई, हमने केंद्र के इशारे पे गिराई है, और जिसमें प्रधानमंत्री का इशारा था और जिसमें सहयोगी भूमिका, जिनका इतिहास गद्दारी का रहा है ग्वालियर से लेके दूर तक, उन लोगों ने हमारा साथ निभाया जिन्होंने झांसी की रानी को दगा दी, कांग्रेस को दगा दी, उनका साथ रहा। बात यह है साथियों कि काला दिवस मनाना इसलिए भी हम लोगों की आवश्यक है कि प्रदेश की जनता हमारे साथ जरूर है, पर दूर अंचल के गांवों तक इस बात का मैसेज आपके जरिए जाए कि एक अच्छी सरकार को भाजपा देख नहीं सकती। बात दूसरी है, आज ये लोग 100 दिन का जश्न मना रहे हैं, भाई लोग 100 दिन का जश्न मना रहे हैं। मैं सीधी की एक घटना आपको आज बता दूँ, आप तक पहुँची होगी। एक आदिवासी युवती की मौत होती है, उसके परिवार को दाह संस्कार का पैसा नहीं मिलता, उसे नदी में आज उसका शव बहाया गया। दूसरी घटना छतरपुर की है, जहां एक विकलांग युवती के साथ बलात्कार होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 100 दिन का जश्न मना रही है। ये वो लोग हैं जब कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली, 8-9 दिन बाद हम अपनी मंत्रिमंडल बना रहे थे, तब ये भाजपा के मेंढक निकल के आए थे, अरे लूली लंगड़ी सरकार है कमलनाथ की, ये मंत्रिमंडल नहीं बना पा रही है। अब वो भारतीय जनता पार्टी के मेंढक अपने गिरेबा में झांक लें, 100 दिन हो गए तुम्हें, तुम्हारा मंत्रिमंडल दूर दूर तक नहीं है, ना शिवराज की औकात है मंत्रिमंडल बना ले। 8-8 धड़े, 8-8 ग्रुप, शिवराज का ग्रुप, ग्वालियर वाले भैया नरेंद्र तोमर का ग्रुप, नरोत्तम मिश्रा का ग्रुप, कैलाश विजयवर्गीय का, गोपाल भार्गव का, आरएसएस का, भाजपा का, कई ग्रुप हैं इनके। उस दबाव में और जिस दिन मंत्रिमंडल बना, शिवराज चौहान जानते कि एक बड़ा विस्फोट भारतीय जनता पार्टी के अंदर होगा। बात ये जाने इनकी जाने, मेरा अनुरोध आप सब साथियों से है कि एक अच्छी चलती हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र जिन लोगों ने किया है, उनको इस प्रदेश की जनता, 24 चुनाव हैं, उपचुनाव विधानसभा, प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। वो चाहती है कि हमने जिन विधायकों को 5 साल के लिए चुना, उन वो विधायक खुद तो बिके, हमारे वोटों को भी बेच दिया, हमने 5 साल का मैंडेट दिया था, एक बार फिर हम कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार चुन के भेजेंगे, इन 24 चुनाव में बंपर लीड के साथ हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। अगली बात प्रजापति साहब। आदरणीय प्रजापति जी, ये जरा पीछे से आवाज थोड़ी, भैया कुर्सियों को कंट्रोल करो। चाल, चरित्र, चेहरा, नैतिकता, सिद्धांत 16 मार्च को विधानसभा में दिखे, जब विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 10 दिन के लिए कोरोना के कारण हाउस आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि ऐसा कृत्य छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान ने कर दिया है। मेरी हंसी उड़ा रहे थे विधानसभा अध्यक्ष का माखौल उड़ा रहे थे, और जब बात नहीं बनी तो न्यायपालिका ने भी कोरोना को नजरअंदाज कर दिया। 23 तारीख आती है, 9 बजे रात के शपथ होती है, काला दिवस वहां से शुरू होता है।
चाल चरित्र चेहरा सिद्धांत नैतिकता जो पीछे से इशारा करके जिस पार्टी को चलाती है उस सैद्धांतिक नैतिकता वाले एक संगठन का चेहरा उजागर होता है। और इन 100 दिन में मध्य प्रदेश में जितनी मौतें हुई हैं 14,000 के ऊपर तो प्लस हो गए हैं, 500 से ज्यादा मौतें हो गई हैं। मैं इसकी पूरी की पूरी जवाबदेही जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के ऊपर डालता हूं और उनके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री के ऊपर भी डालता हूं कि देश में 5.5 लाख पहुंच गए हैं और मौतें पहुंच गई हैं 16,000 के ऊपर। आपको सिर्फ एक विशेष चाइना से ही कोई ये पीपीए किट खरीदने की ललक लगी हुई थी जिसके कारण देरी होती गई भारत देश में और जिसके कारण मध्य प्रदेश में और ज्यादा देरी होती गई